एक अप्रैल से बिहार में बिजली होगी सस्ती, जानिए किन्हें मिलेगा इसका लाभ। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना का लाभ बिहार के लगभग 55 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। चलिए अब आगे इस खबर से जुड़ी अहम जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 55 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम अब पूरा हो चुका है। इससे सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि इन उपभोक्ताओं को अब ज़्यादा बिजली खपत करने पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि और व्यावसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को भी फैक्टर सरचार्ज से राहत मिलेगी। लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, उन्हें इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में ऐसे उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिजली खपत करने पर दोगुना चार्ज देना पड़ता है, जो कि बिजली विभाग द्वारा तय किया जाता है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को ये प्रस्ताव बिहार के साउथ और नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दिया है। अब इस पर आयोग जन सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। ये प्रस्ताव आम उपभोक्ताओं के हित में है, तो इससे स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पहले भी ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अन्य लाभों की। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे ट्रैफिक यानी TOD का लाभ मिलेगा, यानी दिन और रात के समय बिजली सस्ती होगी, लेकिन पिक आवर में बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ी खबर है, अब इन्हें स्लैब सिस्टम से मुक्ति मिलेगी। पहले 50 यूनिट तक बिजली की खपत पर 7.42 रुपये प्रति यूनिट और 50 यूनिट से खपत पर 7.96 रुपये प्रति यूनिट चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इन उपभोक्ताओं का एक ही शुल्क 7.42 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने औद्योगिक श्रेणी में HTS यानी हाई टेंशन सप्लाई को छोड़कर अन्य किसी श्रेणी में बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद पर ग्रीन ट्रैफिक का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें प्रति यूनिट 1.17 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अब बात करते हैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। SBPDCL के क्षेत्र में अब तक 5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर अपनाए हैं। इस योजना के तहत 35 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताने के लिए नुक्कड़ नाटक और ऑडियो संदेश के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब बैलेंस खत्म होने पर बिजली काट दी जाती है, और कुछ उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इस पर पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर और बिजली विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया है। स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और उपभोक्ताओं को समय पर सभी जानकारी मिल रही है। तो ये थी बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के बारे में पूरी जानकारी। इस योजना से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली और बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका समाधान समय के साथ करने की बात कही जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।